हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम का समय हो रहा है और मैं जा रही हूँ आज बैंगन का फ्राई करूँगी, तो आप सभी को भी लेकर के चलती हूँ। आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं अभी आपको लेकर के चलती हूँ। और फ्रेंड मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड सारे बैंगन को मैं काट करके पानी में भिगो दी थी और गोल गोल कट किया है इसको मैंने। तो पानी में से अभी निकाल दे रही हूँ, मतलब निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब डाल दूँगी। और उधर चूल्हे पे भी मैं लकड़ी डाल दी हूँ ताकि आग भी मतलब जलता रहे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है लकड़ी को जलने में। तो अभी मैं नमक डाल चुकी हूँ और मिर्ची, जो हरा मिर्ची था उसको मैं डाल रही हूँ। तो मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे उतना मिर्ची पसंद नहीं है। और अभी मैं इसमें मिक्स मसाला डाल रही हूँ जो हम लोग डेली यूज करते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और बैंगन को काट करके मैं कुछ देर ऐसे ही छोड़ दी थी, इसीलिए वो कालापन हो गया है, क्योंकि बैंगन को तो काटने के तुरंत पानी में नहीं डालने से वो काला हो ही जाता है, ये तो आप सभी को भी मालूम होगा ही। तो अभी मैं लकड़ी को भी और डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से जल जाए, लगे हाथ दोनों काम। और मेरे चूल्हे के आसपास देख रहे होंगे कैसा दिख रहा है, क्योंकि जब मैं चूल्हे को साफ सफाई कर रहती हूँ ना, मतलब किए रहती हूँ, तो सुबह में साफ़ करती हूँ और शाम को बारिश होती है, मेरा साफ करना या नहीं करना कोई मतलब ही नहीं। तो मैं इधर बैंगन में अच्छे से मिला रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैंगन ज़्यादा हो गया है और थाली जो है छोटा पड़ गया है मिलाने के लिए, जैसे कि नीचे का नहीं अच्छे से मिल रहा है। तो मैं इस तरह से किए दे रही हूँ। तो मैं अच्छे से मसाले को मिला ली। अब मेरा तेल भी गर्म हो चुका था इधर, तो मैं उसमें डाल दे रही हूँ बैंगन को। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास भी कम सामान हो तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारा कुछ रहे तभी हम बना के खाएं।
अगर जब भी मन किया तो कम सामान में भी बना के खा सकते हैं। तो अब मैं अच्छे से पलट दे रही हूँ, मतलब बार बार इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि जल जाएगा तुरंत। और मैं इसमें ढक्कन लगा दी हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना रहे उसमें। तो देख सकते हैं इधर पक चुका है मेरा बैंगन। अभी मैं इसको निकाल दूंगी एक थाली में। अब तुरंत ही जल जाता है, देख सकते हैं थोड़ा सा जलने के कगार में हो ही चुका था, लेकिन नहीं जला है, अच्छा है मेरे लिए। और दूसरी बार भी मैं डाल दे रही हूँ। और इसको भी ऐसे ही पलटते रहूँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये मेरा लास्ट है और ये भी बन चुका है। थोड़ा बहुत नहीं बना है, उसको मैं अभी अच्छे से पलट दे रही हूँ और देख रही हूँ कि अच्छे से पक चुका है कि नहीं। तो लगभग ये बन ही चुका है। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं जलाना है, ज़्यादा जलाने से अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा सा लगता है। तो अभी मैं इसको भी निकाल दे रही हूँ और ये अब ख़त्म हो गया है मेरा बैंगन का फ्राई। और वैसे तो दो लोग के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा ही बनाई हूँ क्योंकि मुझे बैंगन अच्छा लगता है। अब मेरा हो गया, अब कढ़ाई को भी नीचे रख चुकी हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में बैंगन हो तो, अभी तो हमारे यहाँ है इसीलिए मैं बनाई हूँ। तो देख सकते हैं मेरा बैंगन का फ्राई बन के रेडी है। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।